सिवा बेइज्जती हो जाएगी, लगाते हैं निकल रहा हूं मैं गिरने वाला। ओ भाई उल हो गई। बाय गाइस। अरे जाना, गाड़ी चल गई है, जा रचित, बच के रहियो ठीक है, वरना समझ जा तू व्लॉग देख रहा होगा ना। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज की सुबह मेरी हो चुकी है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30, और मैं वैसे तो 11 बजे सोकर उठ गई थी और मैंने 11:30 बजे समथिंग व्लॉग अपलोड कर दिया है और कमेंट्स में आप लोगों के रीड कर रही हूँ। और जब से मैं सोकर उठी हूँ, ऐसा नहीं है मैं बैठी हूँ, मैंने घर के छोटे मोटे जो भी होते हैं काम निपटाए, और आज मुझे, जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि मुझे आज जाना था घर, तो बस मैं रेडी हो जाती हूँ और घर के लिए निकलती हूँ। और उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि सुबह सोकर उठने के बाद मैंने घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो क्या निपटाए। ये देखो गाइज, ये जो कपड़े हैं ये मैंने सुबह सुबह वॉश किए वॉशिंग मशीन में और सारे लाके यहाँ पे सुखाए, और ये करने में मेरी ऋतिक ने भी हेल्प की। और उसके बाद आज मैं बालकनी में आई तो देखा मौसम इतना प्यारा हो रहा है, आप बाहर देखो मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है, और मतलब ये कल रात से ही मौसम ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मैं बालकनी में आके बैठ गई। और जब मैं बैठी तो मेरे साथ साथ ये देखो इंस्टा भी आकर बैठ गया। जब मैं आती हूँ ना बालकनी में तो ये भी आ जाता है। क्या हुआ, हाँ घूम रहा है इधर से उधर, जबकि मैंने रचित को कल रात बोला भी था कि यार ना मैं कल घर जाऊंगी, तो कह रहा ठीक है चली जाइयो, मैं घर जाऊं आऊं इसको कोई मतलब नहीं है, ये अपना जब इसको नींद आ रही है तो भाई इसको कोई नहीं उठा सकता, सोता ही रहेगा। गाइस यहाँ पे देखो विनय भाई साहब कर रहे हैं अपना व्लॉग एडिट, इनका व्लॉग आ जाएगा 3 बजे। नहीं, कौन एडिट कर रहा है, कच्चर भाई। और अब इनसे यहाँ गया, बाद में याद आएगा, हाँ बाद में याद आया तो कोई। मैं कह रही हूँ अपने चैनल का नाम खच्चर भाई लिख ले, ये बढ़िया रहेगा। चल चल तू कर ले एडिट। और यहाँ पे देखो भाई रचित सो रहा है, पता नहीं कितना सोता कितना है ये, क्या ही बताऊँ मैं, फोन वहाँ पड़ा है और सो रहा है ऐसे ही। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे दो नमूने मिलेंगे आपको, ये देखो इनको, लाइट जला दो एक बार, ये देखो देखो तुरंत उठ के बैठ गए, देखो ये क्या देख रहे हैं बच्चे, डोरेमोन, अरे भगवान बच्चे ही हो तुम दोनों, बच्चे ही हो अभी, ए इंस्टा लपेट लिया। क्या आतंक आ गया इसके आते ही, वो प्यार काट रहा है, वो कैसा सा है देखियो, क्या ले गया, ये सब ठीक है एयरपोर्ट से मिला, ओ इंस्टा लपेट ले जल्दी, ये तो यार जल्दी लपेट, आज लपेट ही तुझे, आ जा लपेट ले जल्दी, वही इंस्टा और मिक्की की लड़ाई देख लो, आ जा और हरमानी 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 मानी हरमान दे, छोड़ दूँ माफी मांग ले, माफी मांग, सॉरी बोल दे, चलो पट्टा ले आओ, चलो चलो, अब तू नहीं कर सकता, अब मेरी शक्ल देखेगा, पड़ गए थप्पड़। और आज मैं ये कपड़े पहनने वाली हूँ और ये पहन के मैं अपने घर निकलने वाली हूँ, तो मैंने पहले ही निकाल लिए। सो गाइज मैंने चेंज कर लिया है, हाँ बट मेकअप नहीं किया, और सॉरी स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने इंस्टाग्राम का फिल्टर लगा रखा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सुबह सुबह सोकर उठी हूँ तो शक्ल थोड़ी अजीब लग रही है, फिर फील हुआ नहीं यार जो हो वही दिखाओ लोगों को, तो अभी तो कोई फिल्टर विल्टर नहीं लगा रखा और ना ही कोई मेकअप किया है, तो अभी मैंने सोचा घर ही जा रही हूँ तो क्या मेकअप करना, और ठीक है मैंने लोशन वोशन लगा के सनस्क्रीन लगा के बस ऐसे ही निकल रही हूँ मैं अपने घर के लिए। गाइज ये मेरा बैग भी पैक है, ये वाला बैग लेकर जाऊंगी मैं, इसमें थोड़े बहुत सामान रखे हैं मैंने, एक कपड़े रखे हैं, और मैंने रखा है पिंस्टू के लिए चॉकलेट जो मुझे मेरे 4 मिलियन होने पे मिली थी, और मैं तो देखो इतनी चॉकलेट खाती नहीं हूँ, मैंने रखी थी कि खाऊंगी खाऊंगी हम सारे मिलके यहाँ पे शेयर करके खाएंगे, पर टाइम ही नहीं मिला, फिर मुझे याद आया कि हम सब तो बड़े हैं, पिंस्टू छोटी है, तो मैं पिंस्टू के लिए चॉकलेट लेके चलती हूँ, उसको भी अच्छा लगेगा। और अभी मुझे चॉकलेट से याद आया,
विकास भैया नहीं है, विकास भैया कह रहे थे कि सिब्बू एक चॉकलेट दे दियो, उसमें से इतनी सारी है तेरी भाभी के लिए लेके जाऊंगा। और जाते जाते वो दोबारा मेरे को याद दिलाना भी भूल गए, मैं उनको देना भी भूल गई, सॉरी भैया। तो मैं भी नहीं खा रही हूँ, मैं वो पिंस्टू को दूंगी। अरे दोबारा बजा, दोबारा बजा, दोबारा बजा, दोबारा बजा। आज बने हैं आलू के पराठे। मैं निकल नहीं वाली थी, उससे पहले सोचा मैंने आलू के पराठे खा लूं। विनय भी खा रहा है आलू के पराठे। हाँ जी, हाँ हाँ, खा लो, कोई नहीं। कैसे बने हैं? बढ़िया बढ़िया। और ये एक लालची बैठा हुआ है, इसको कुछ मिल जाए, सुबह सुबह खाना खा लिया इसने फिर भी। और यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं जनाब, क्या कर रहे हो भाई? ओ भाई साहब क्या कर रहे हो आप? गाइस मैं और विनय निकल चुके हैं और आज हम जा रहे हैं अपनी ये एक्सेंट लेके। आज हमारे पास दो ही गाड़ी है, एक एक्सेंट और एक्सयूवी। हम एक्सयूवी लेके इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि रचित को कहीं पे जाना है, उसका आज पॉडकास्ट है। और मैं और विनय फिलहाल निकल रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक गाड़ी है। तो पहले विनय मेरे को ड्रॉप करेगा मेरे घर, फिर विनय जाएगा अपने घर। क्यों विनय? यस, करें स्टार्ट धन्नो को। धन्नो को स्टार्ट करो भाई, आज हमारी किस्मत ही होगी अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम ये बहुत टाइम से खड़ी है। हाँ, हम महीनों से खड़ी है ये, हम यूज तो करते नहीं है और पता नहीं इसमें पेट्रोल है भी या नहीं है। पेट्रोल सीएनजी कुछ भी नहीं है। हाँ। बस शुक्र मनाओ कि बैटरी सही हो। ओ अगर ऐसा कुछ हुआ फिर विनय फिर क्या करेंगे? या तो घर नहीं जा पाएंगे। हाँ, या तो कैब करके जाएंगे और या फिर मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। अरे यार ऐसा मेरे साथ हम पहले क्यों बोल रहे हैं, पहले स्टार्ट तो करें। हाँ कर कर कर, देखते हैं गाइस क्या होता है। आवाज सुनो यार, ये क्या पोपट है? किसकी शक्ल देखी थी? मैंने भैया की, जो घर पे जो सर्वेंट है। तूने? यार ये क्या बेटी है, कोई आके तो नहीं कर गया ये काम? अरे यार क्या हो गया ये? एक काम करते हैं, क्या मिक्की और ऋतिक को बुलाते हैं, धक्का लगवाते हैं। चल उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, फोन करते धक्के से तो मैं कर दूंगा स्टार्टर को, मैं कॉल करता हूँ। हाँ कॉल कर, क्या कह रहा है? वैसे भी ताकतवर तो है ही दोनों, बढ़िया बॉडी है। दो पहलवान आ गए, हमने दो बॉडीगार्ड बुला लिए। मेन गेट खोलो और आगे से धक्का लगाओ। वे खोल जल्दी खोल, देखो मेरी ताकत, अकेले धक्का लगा दियो तो बताओ। और बताओ, बस ब्रेक पे पैर नहीं रखने, ब्रेक पे पैर नहीं लगाएंगे हम। BREAKEE स्पेलिंग भी बता दी। देखो देखो देखो, अबे मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, धक्का लगा रहा है ये। हवा भी कम है ये किसी में? आगे वाला पंचर है क्या? पंचर तो नहीं है, खत्म है मामला, इसी में बेइज्जती हो जाएगी, लगाते निकल रहा हूं मैं गिरने वाला। ओ भाई ओ पहलवान, दो दो पहलवान जुटे हैं। मैंने पहले कहा था ना पहलवान आएंगे दो भाई, जल्दी रेन से गाड़ी भाई यहां से यहां तक ही है, बड़ी बात है। वो देख आगे से लगाओ, चलो चल लगा लग गई। क्या कर रहे हैं दोनों ये भाई, पसीना भाई खिसक क्यों नहीं रही तुमसे गाड़ी? हो गई हो गई हो गई, वापसी आगे चली जाएगी, वापसी आगे चली जाएगी। रुक जा, ए रुक जा, तू बैठ, मैं लगाती हूँ। पकड़ क्या चीज, पकड़ फोन पकड़। सिब्बू को बाहर करने दे, सिब्बू का भी तो वेट है, मेरा भी तो वेट है। तू बन रही है, मैं अच्छा कोई नहीं, मैं लगा देती हूँ। अरे यार कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं बैठू फिर भजन देखना। अब भाई भजन दिखाऊंगा, चलो फिसलेगा पैर, पैर फिसल रहा है, लगाओ नहीं होगा। ओए ये तो जान ही नहीं लगा रहा, तो ऐसी सौ पीस है बस। ओए हो गई तो भाई यार क्या यार, लड़की ने कमाल दिखा दिया। ए यार कर देता मैं, अगर मैं अकेला होता तो उसका क्रेडिट, उसको भी तो क्रेडिट देना पड़ता फिर। मैंने भाई अकेले ने, भाई अकेले ने
अरे जा शिवम तेरी बेइज्जती मुंह पे। मेरे को नहीं चाहिए भाई क्रेडिट। लड़की ने कमाल दिखा दिया। देखा क्या कह रहा है? ट्रैक्टर पर तुम जा दूंगा यार। अरे तू रहने दे। जाना है। अरे तू रहने दे। कैसा लगा अभी? नहीं मान गया अभी। जाने लड़की पे। देखा जाने भाई ऐसी नहीं जिम जाते। मैं कह तो रहा हूं ट्रैक्टर पर तुम जा दूंगा। साल में 3 दिन जाए लेकिन भाई जाना है। क्यों मैं की ओ भाई बहुत मेहनत लगाई मैंने तो। पीछे ढलान भी है अब क्यों नहीं खिसक रही? देखो देखो वो ऑन है। गाड़ी से गाड़ी बैक कर रही है। गाड़ी रिवर्स कर रही है। चौड़ मत हो। हाँ चल बाय। अब पीछे से करनी पड़ेगी धक्का लगाना। चल नहीं। अरे धक्का नहीं लगाना तू जाना हो गया। बाय बाय गाइस। अरे जाना गाड़ी चल गई है जा। सो भाई साहब मैंने गाड़ी में सेकंड टाइम धक्का लगाया है। जब स्टार्टिंग में थे हम लोग मतलब जब हमारे पास वैगनार थी बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने हमने चाल बनाया था तो हमारे पास वैगनार थी उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत थी क्योंकि वो हमने सेकंड हैंड परचेस की थी उसमें भी धक्का लगाना पड़ता था तो बीच में वो कहीं भी खराब हो जाती थी। और ये वाली तो पता नहीं कितने टाइम से ऐसी बाहर खड़ी क्योंकि कोई चलाने वाला ही नहीं है तो खड़ी रहती है तो ये भी जाम पड़ गई थी। तो आज इसमें भाई मेरे को खुद पे गर्व फील हो रहा है। इतनी ज्यादा जान है मेरे में। क्यों भाई? मान गए रचित बच के रहियो ठीक है वरना समझ जा तू व्लॉग देख रहा होगा ना। वो देखो गाइस कितने सारे कबूतर ये देखो पास से बहुत सारे हैं यहाँ पे शायद लोग आते हैं इनको दाना वगैरह डाल के जाते हैं और जब ये उड़ते हैं क्या मस्त लगते हैं। चलिए यार देखो हम पेट्रोल पंप तक पहुँच चुके हैं। हमारी किस्मत ने साथ दे दिया जय भोले बाबा की। हमें पहुंचा दिया आपने पेट्रोल पंप तक आज। सो गाइस मैं घर पहुंचने वाली हूँ। मतलब पूरे हम 2 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए थे और ये फैंस मिल गए। ये बाय यहाँ पे तो ऐसे बोल रहे थे आगे मैंने मिरर नीचे किया अरे आप सीखो दीदी हो ना। इनका हाँ स्कूल से मैं भी आ रहे हैं मतलब इस टाइम कैसे छुट्टी हुई है। स्कूल के तो नहीं थे। स्कूल के थे यार वो यूनिफॉर्म पहनी है देख वो बाइक पे भी देख बच्चा बैग लेके जा रहा है स्कूल यूनिफॉर्म में। पता नहीं ट्यूशन वगैरह होते होंगे है ना तो स्कूल में भी तो क्लासेस वगैरह चलती है। तो अभी घर पहुंचने वाली हूँ और मुझे लग रहा है कि ब्लॉग बहुत ज्यादा खिंच रहा है तो मैं घर वालों से आपको मिलाऊंगी कल के ब्लॉग में। अभी जाके मैं घर वालों से मिलूंगी। मम्मी पापा 5 महीने बाद घर पे वापस आए हैं और भाई भाभी तो आ गए थे उनको आए हुए 10 दिन हो गए हैं 10-12 दिन हो गए होंगे। तो पहले मैं जाके मिलूंगी और आप लोगों को मैं कल उनसे मिलवाऊंगी। और भाई विनय थक गया कैसी रही ड्राइविंग? बहुत क्या बताऊं ट्रैफिक ऊपर से हमारी गाड़ी का एसी भी नहीं चल रहा है। हाँ हमने यार पूरे रास्ते ना विंडो खोल के आए हैं। क्या बताएं कल ये जाके दिखाएगा। और मैंने ना व्लॉग स्टार्ट किया और बाद में चेक इधर हाँ इंडिकेटर देते मैंने ना व्लॉग स्टार्ट किया ये बताने के लिए कि हम जैसे आपने तो व्लॉग में देखा ही होगा रचित कह रही हूँ विनय के कि इसने अपनी संतरा ठोक दी और वो सर्विस सेंटर में पड़ी है ये सब मैंने बताया था इसलिए हमें इतनी दिक्कत परेशानियों के साथ ये वाली गाड़ी लेके जानी पड़ रही है। लेकिन वो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं थी। मैंने कहा अबे यार मैं भी बेवकूफ हूँ मैंने तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं करी। तो बाकी गाइज कल मतलब आज रात 12 बजते ही विनय का बर्थडे है और ये व्लॉग मेरा कल ही आएगा तो मेरे मुंह से रचित क्यों निकल रहा है यार। तो आप लोग यार विनय को हैप्पी बर्थडे विश कर देना। तो सारे कमेंट्स में विनय को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे क्योंकि मैं तो इसको कह रही थी यार आज रुक जाते हैं कोई बात नहीं साल में एक बार बर्थडे आता है तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। पर इसको यार मम्मी के पास जाना था मे बी इसकी मम्मी की तबीयत खराब है इसने बोला यार कोई बात नहीं बर्थडे घर जाना था ना बहुत दिनों से बोल रखा था आऊंगा घर पे वेट भी कर रहे थे और इसने घर पे बोल भी दिया था कि मैं इस बर्थडे घर पे आऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है यार तू चला जा मैं भी मम्मी पापा से मिल लेती हूँ तो इस वाले बर्थडे में भी हम साथ नहीं रहेंगे या मे बी कभी भी कुछ भी सटक सकती है सोना या रचित कुछ प्लान करेंगे। देखो मैंने तो इस बार कुछ प्लान किया नहीं तो इस तरफ तो फिर हो सकता है मैं कल वापस आऊं या फिर देखते हैं क्या होता है क्या सिचुएशन होती है। बाकी आप विनय को हैप्पी बर्थडे विश कर देना मेरी तरफ से भी क्योंकि हम इस बार है नहीं साथ में। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय लव यू टेक केयर और बर्थडे जरूर विश कर देना। ये वाला है मेरा गेट मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ। चल विनय बाय 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 अंधेरा हो गया है
और मैं पहुंच गई हूँ, मैं निकल रही हूँ। मैंने तो व्लॉग एंड कर दिया था, पर एक बात बताना भूल गई थी, जो विनय को फॉर्मेलिटी के लिए विश कर रहे हैं तो सिर्फ विनय को हैप्पी बर्थडे विश करना, और जो दिल से विश कर रहे हैं वो क्या लिखेंगे, कचरवा कचरवा हैप्पी बर्थडे, बात होगी पता नहीं। कचरवा हैप्पी बर्थडे जरूर लिखना, ठीक है? मैं अपना सामान ले लूं, निकलूं मैं, बाय।